आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा रिलीज के साथ विवादों में फंसती चली जा रही है। इस फिल्म को थिएटर में लगने से पहले ही बॉयकॉट करने की मांग तो उठा ही रहे थे, अब जब दर्शकों ने इस फिल्म को देखना शुरू कर दिया है तो अलग अलग इल्जाम भी आमिर खान पर लगाना शुरू कर दिया है। लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो शुक्रवार को आमिर खान के खिलाफ पुलिस में शिकायत की गई है। दिल्ली के एक वकील ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर संजय अरोरा से बॉलीवुड एक्टर आमिर खान के खिलाफ शिकायत की है। आमिर के अलावा पैरामाउंट पिक्चर प्रोडक्शन हाउस और अन्य के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। ANI के मुताबिक वकील का कहना है कि फिल्म लाल सिंह चड्ढा भारतीय सेना और हिंदुओं के भावनाओं को हर्ट किया गया है। वकील का नाम विनीत जंडल है। विनीत ने दिल्ली पुलिस को दिए अपने एक शिकायत में कहा है कि फिल्म में कई आपत्तिजनक कंटेंट है, साथ ही वो आमिर खान, डायरेक्टर अद्वैत चंदन और पैरामाउंट पिक्चर प्रोडक्शन हाउस के खिलाफ IPC की धारा 153A, 298 और 505 के तहत FIR दर्ज करवाना चाहते हैं। अपनी शिकायत में विनीत जंडल ने लिखा, इस फिल्म में दिखाया गया है कि एक मेंटली चैलेंज शख्स को कारगिल युद्ध में लड़ने के लिए भारतीय सेना में भर्ती कर लिया गया है, लेकिन ये बात सभी जानते हैं कि कारगिल वॉर को लड़ने के लिए भारत के बेस्ट जवानों को भेजा गया था। कड़ी ट्रेनिंग के बाद सेना के इन जवानों ने ये वॉर लड़ा था, लेकिन फिल्म के मेकर्स ने जानबूझकर इस सिचुएशन को भारतीय सेना को बदनाम करने के लिए बनाया है। लेकिन आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट्स में बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फ्राइडे फिल्म्स को।